मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, 2024 में लोकसभा आम चुनाव है। लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में हर एक राजनीतिक दल का नेता, हर एक राजनीतिक पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्यकर्ता मैदान में उतरा हुआ है। इसी बीच सबसे ज्यादा बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले की तरफ से निकल कर आ रही है। मायावती जी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक सबसे ज़्यादा बड़ा फैसला ले लिया है। मायावती ने क्या कुछ फैसला लिया है, मायावती क्या कुछ रणनीति है लोकसभा चुनाव के लिए, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक, इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, बहुजन समाज पार्टी के विरोधी, मायावती का विरोध करने वाले तमाम नेता, तमाम लोग ये आरोप लगाते रहते हैं कि मायावती किसी भी चुनाव की पहले से रणनीति तैयार नहीं करती हैं। पर उनको क्या पता कि मायावती की जो रणनीति है वो अलग तरीके से चल रही है। मायावती ने अभी हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पंजाब जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, वो भी हिमाचल प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था, महंगाई, गरीबी के मुद्दे पर मायावती ने तमाम पदाधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा की। मायावती ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो सभी लोग लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में तेज़ी से जुट जाएँ। ये सब मायावती ने अपने तमाम राज्यों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है। मायावती ने अभी हाल ही में बैठक की थी, कानून व्यवस्था, महंगाई, गरीबी के मुद्दे पर चर्चा अपने पदाधिकारियों के साथ की थी और मायावती ने कह दिया कि अब आप लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में लग जाइए, अब ज़्यादा समय नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, सत्ता में आकर जन कल्याण किया जा सकता है, बीएसपी धन्ना सेठों की गुलाम पार्टी नहीं है। मायावती ने साफ कहा कि हमारी पार्टी किसी भी एजेंसी या किसी भी बड़ी कंपनी से पैसा लेकर और सरकार में आने के बाद उनके हिसारों पर नहीं चलती, किसी भी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, पार्टी के लोग तन मन धन से समर्पित होकर काम करें, ये मायावती ने कहा है। मायावती ने साफ सीधी अपील किया कि सभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटें और तन मन धन से पार्टी को मजबूत करें और सत्ता में आकर ही जन कल्याण किया जा सकता है और हमारी पार्टी किसी भी प्रकार किसी भी बड़े धन्ना सेठों की गुलाम नहीं है, ये मायावती ने कहा है। आप समझ सकते हो मायावती ने इशारों में किस पर आरोप लगाया, किस पर हमला बोला है। फिलहाल यही खबर थी कि मायावती लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट चुकी हैं। मायावती के द्वारा लिए गए इन छोटे बड़े फैसलों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट में लिखा देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, बी मिशन टीवी को फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय।